वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम चल रहे हैं माँ तारा चंडी धाम। आज एकम है तो आज नवमी का स्वागत है, तो वहाँ चलते हैं हम, दिखाते हैं आप लोगों को मस्त मस्त नजारा। था और मेरे साथ चंदन भी है। चंदन क्या है आए, तो गाइस चलते हैं भाई। फाइनली दोस्तों अब हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ा देर में, तो क्या ही बताएं, मतलब कि अब थोड़ा दूर तारा चंडी बाकी है और यहाँ सब मतलब लड़कियाँ भी जा रही हैं, तो मतलब पापा की परिया भी। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको ब्लॉग में, बने रहिए लास्ट टाइम तक। अभी चंदशहीद पहाड़ यहाँ से होके गुजरते हुए अभी चल रहे हैं हम लोग, और आगे आगे चलते हैं, दिखाते हैं हमारे ब्लॉग में, बने रहिए दोस्तों। माँ तारा चंडी का धाम आने वाला है, बस कुछ ही देर में हम लोग तारा चंडी धाम पहुँचने वाले हैं दोस्तों, दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग प्रसाद ले लिए हैं दोस्तों, और हाथ पैर तो धो लिए, नहा के आए हम लोग, तो देख सकते हैं दोस्तों पूरा लगा हुआ है एकदम भीड़। तो आज एकम का इस तरह भीड़ लगा हुआ है जय माता रानी, और चल रहे हैं, चंदन भी आगे आगे मस्त एकदम एंजॉय करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। और क्या ही बताएं, मतलब कि देख ही सकते हैं लोग यहाँ आए हुए हैं आज, ठीक है, मस्ती करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। आज पूजा करते हैं यहाँ से, देख सकते हैं नज़ारा, तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको मस्त मस्त नज़ारा। देख सकते हैं यार काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है माँ तारा चंडी के धाम में, और यहाँ से तो जाना मुश्किल ही है, और इधर से तो इधर से देखते हैं किधर से जाते हैं हम लोग। चंदन भैया जय माता रानी। ये कौन माता है बाबा, ये कौन माता है, ये कौन माता जी हैं? बाबा बद्री विशाल, बद्री अच्छा, ये भैरव बाबा है, ये बद्री विशाल। तो यहाँ दिया जलाया जा रहा है दोस्तों, हम लोग दिया जला लेते हैं मस्त तरीके से। पहले यहाँ दिया जल गया तो आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले नारियल का तोड़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ लोग आए हुए यहीं पे, चलिए इसमें हम नारियल को फोड़ते हैं दोस्तों। हाँ चंदन भैया फोड़िए। चलिए चंदन भैया फोड़ तो दिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना भयानक भीड़ लगा हुआ है, तो एकम था और पहले भीड़ लगा हुआ था, फिलहाल अभी तो भीड़ खत्म हो गया है। चंदन
नहीं जा रहे हैं, आगे चलते हैं, इधर का नज़ारा दिखा दे आप। तो इधर हवन वन भी हो रहा है दोस्तों, और फिलहाल देख सकते हैं इधर का नज़ारा, ये वाटर। इधर का नज़ारा दोस्तों दिखाई दिया आप लोगों को मस्त तरीका से, और इधर पवन होते हुए। तो चलते हैं आगे आगे, हमारे ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, साथ में चंदन भैया भी आ रहे हैं, और चलते हैं वहाँ टिकाऊ का लिया जाएगा। रास्ते में आते हुए बजरंगबली भी मिलते हैं, तो इनका भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। इधर का भी नज़ारा आप लोगों को दिखा दो, ये जो ऊपर का मंदिर होता है और इस प्रकार ये मस्त एकदम। हाँ तो चंदन भैया क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम के दिन हम लोग आए दर्शन करने के लिए माता रानी के पास, और माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। तो थैंक यू भैया जी, और आगे चलते हैं हम लोग दिखाते हैं। ये दोस्तों ऊपर का नज़ारा, जो ये मंदिर दिखता है ऊपर से, और फाइनली पिक लेते हुए दोस्तों इधर के ये दिखा दे आप लोगों को, ये और ये ऊपर से इस प्रकार नज़ारा लगता है देखने पे। प्रवेश करते हैं इनके द्वार में, देख सकते हैं मस्त। देखिए चंदन भी अपने से ही टीका ले रहे हैं, फिलहाल तो अभी पंडित जी गुस्सा हो गए हैं। आज हमारे बादल भाई पंडित जी के हाथ से टीका लगवा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। माता रानी की कृपा इनके ऊपर बने रहे कि इनका वीडियो बहुत सारा जितना बना हुआ इनका वायरल होए और फेमस हो जाए। चलते हैं, तो गुस्सा नहीं है बाबा, एक बार बाय बाय बोल दीजिए, बाय बोल दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों पंडित जी से मिलकर, बहुत खुशी की बात हुई तो, और अच्छा लगा तो चंदन दिया मस्त। फाइनली दोस्तों हम लोग टीका ले लिए हैं, मस्त अच्छा लगा। भोले बाबा तारा चंडी के ऊपर ये जो मंदिर है उसके ऊपर ये विस्थापित हैं, और यहाँ फोटो लेने काफ़ी अच्छा अच्छा आता है पिक है, और इधर का ये मंदिर ऊपर से कुछ इस प्रकार दिखता है, और इधर चंदन भैया। फाइनली दोस्तों हम लोगों का पूजा हो गया मस्त तरीका से, तो ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, माई की जय।